हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। आप लोग की स्टडी कैसे चल रही है? होपफुली आप लोगों ने जो मोमेंटम गेन किया होगा वही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेंटेन रखे होंगे या नहीं भी रखे होंगे दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। बेटा आपकी अभी आप लोगों ने 11th का एग्ज़ाम दिया है और आप लोग उत्सुक होंगे कि नहीं अब मुझे 12th में जाना है तो 12th में क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 12th में मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी जानते हैं, तो मैं उसके बारे में नहीं कुछ डिस्कस करूँगा। लेकिन 12th का सिलेबस, क्योंकि मोस्टली बच्चे का एक क्वेरी होता है कि सर सिलेबस जो है 12th का कब शुरू होगा और कब फिनिश होने वाला है, बहुत बच्चे उत्सुक होते हैं इसको जानने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि 12th का जो सिलेबस शुरू होने वाला है वो 27 अप्रैल से शुरू होगा और 10th अक्टूबर तक, नियरली 10th अक्टूबर तक फिनिश हो जाएगा। जैसे ही आपका 10th अक्टूबर तक सिलेबस फिनिश होगा उसके बाद चैप्टर वाइज हम लोग रिवीजन प्लानिंग करेंगे और चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट करते हैं। फिर चैप्टर वाइज टेस्ट 11th और 12th का जब फिनिश हो जाता है उसके बाद हम लोग 25% फिर 50% और 100% सिलेबस का टेस्ट कंडक्ट करते हैं जो 12th फिनिश होने के बाद जो आपको बता दिया जाएगा। तो बेटा जब आपका सिलेबस जो होगा वो 27 को शुरू होगा और एंड 10th अक्टूबर तक नियरली क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो सिलेबस का आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं भी बता दूँ कि इस चैप्टर वाइज भी हम लोगों ने प्लानिंग किया है और अभी स्कूल जो है हम लोगों ने चैप्टर वाइज मॉड्यूल भी प्रिपेयर किया है। चैप्टर वाइज मॉड्यूल, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ मॉड्यूल, तो चैप्टर वाइज हमने मॉड्यूल प्रिपेयर किया है। उस चैप्टर वाइज मॉड्यूल को जस्ट बिफोर स्टार्टिंग सिलेबस या चैप्टर, जैसे मान लो कि मुझे ग्रेजुएशन शुरू करना है तो ग्रेजुएशन शुरू होने के जैसे मुझे कल शुरू करना है तो आई थिंक कल तक आपको ये मॉड्यूल, अभी तो मॉड्यूल छपा नहीं है इसलिए आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो मॉड्यूल का खासियत ये है कि उस मॉड्यूल में जो पॉइंट वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे मान लो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे क्वेश्चंस है जैसे मैंने डिस्कस किया तो उस पर क्वेश्चंस दिए हुए, तो पॉइंट वाइज क्वेश्चंस देने से ये बेनिफिट होता है कि हमने एक पॉइंट यदि डिस्कस किया तो उस पर आप उसी पॉइंट पर आप कहीं भी आपको 10 से 15 मिनट मिल जाते हैं तो आपका उसी टाइम वो जो पॉइंट है या कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, क्लियर हो जाता है। तो इस मॉड्यूल को स्टडी करने से ये बेनिफिट है। अब यहाँ मैंने ये लिखा है कि हाउ टू स्टडी दैट मॉड्यूल, क्योंकि आप जब मॉड्यूल पढ़ोगे या आप मॉड्यूल देखोगे तो उसमें नियरली ईच मॉड्यूल में ईच चैप्टर में 300 to 400 नियरली न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं और आप देखेंगे तो नियरली क्या है 10 से 12 दिन टाइम मिलता है एक चैप्टर को फिनिश करने के लिए। आई मीन विद इन 10 डेज या 12 डेज में हम एक चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। तो हाउ टू फिनिश मॉड्यूल प्रॉपरली विदिन 10 डेज और 12 डेज उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बताऊँगा। बेटा जब आप मॉड्यूल देखोगे तो मॉड्यूल में लेवल वाइज क्या है क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल ऐसे दिए हुए हैं। तो कुछ जो लास्ट लेवल है वो क्या है, आई मीन लास्ट लेवल का जो लेवल जो है वो एडवांस के लिए जनरली इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट जो है फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं ये सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेवल क्वेश्चन जो है एक एक न्यूमेरिकल्स आप उसको क्या करो प्रॉपरली सुनो और इवन ये पॉसिबल हो तो आप क्या करो उसका प्रॉपर एक नोटबुक आप रखो, उसमें क्वेश्चंस में आंसर और आंसर क्या करो लिखते जाओ और आप टीचर से भी चेक करा सकते हो, आप लोग भी सबमिट कर सकते हो, मुझे भी सबमिट कर सकते हो, चेक चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज, तो टीचर एक बार उसके थ्रू जा करके आपने क्या मिस्टेक किया उसको भी हम फिगर आउट करके और उसको दूर कर सकते हैं। तो वैसे तो थर्ड जो लेवल तक है सभी के लिए कंपलसरी है कि आप सभी को थर्ड लेवल, क्योंकि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेवल जो है वो जनरली क्या है मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेवल तक आप अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हो तो समझो कि आपका मेंस का अच्छा स्कोर हो जाएगा। उसके बाद देखो आप पे डिपेंड करता है, यदि आपको लगता है कि नहीं फोर्थ फिफ्थ लेवल में मुझे अभी करना है तो आप कर सकते हो और करना भी चाहिए, जिनको एडवांस का एग्जाम देना है या IIT के लिए जाना है तो उनको उसको करना भी चाहिए, क्योंकि चैप्टर वाइज
कम टाइम में ज़्यादा नंबर सकता है आप देखोगे, क्योंकि उस समय क्या होता है, हम मोमेंटम में होते हैं, मुझे सब चीज़ याद होता है, तो हम ज़्यादा कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस मॉड्यूल को क्या करना है आपको, प्रॉपरली क्या करना है, स्टडी करना है, उसमें यदि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप डाउट क्लास में टीचर से आप डिस्कस कर सकते हो कि सर मॉड्यूल में पॉइंट लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया, आप प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। टीचर आपको ऑब्वियसली क्या है एक्सप्लेन करेंगे। अब 400 और 300 जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे बेटा, तो उसमें क्या करना है, आपके पास नोटबुक होगा तो आपको ये देखना है कि उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो मान लो कि किसी एक न्यूमेरिकल उसको मैंने अटेम्प्ट किया और जैसे ही मैंने अटेम्प्ट किया वो सॉल्व हो गया। कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल होंगे यार जो 2 घंटे भी लगे, 2 आवर्स लगने के बाद भी वो सॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, आपके लिए उसका जो लेवल है वो क्या है, हाई है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यदि उस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको तो आप उसको नोटबुक में क्या करो, प्रॉपर वे से क्या करो, उसको नोटबुक में सोल्यूशन के साथ लिखा कि जब आप नोट्स रिवीजन करोगे तो न्यूमेरिकल्स भी क्या होगा, उस टाइप के न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, रिवीजन हो जाएंगे। तो आपको कभी भी उस टाइप का क्वेश्चन यदि मिलता है तो आपने जितना टाइम अभी दिया है उतना टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, आप अभी समझ में आया। तो जब भी आपको टफ लेवल लग रहा है तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने नोट्स में उसको क्या करो, आप ऐड करो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका स्टडी मॉड्यूल खत्म हो जाए तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसमें भी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हो तो आप प्रीवियस ईयर के एडवांस का आप नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट मेंस का जो क्वेश्चंस होगा आपको उसको सॉल्व करना चाहिए। मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने से ये मालूम चलेगा कि अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चैप्टर वाइज कितने वेरिएशन हैं, या टीचर ने उसने टाइप का वेरिएशन आपको बताया है क्या, या टीचर ने कुछ मिस किया है क्या। तो जब आप एक बार क्वेश्चंस के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जाओगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा टीचर ने क्या पॉइंट मिस किया है और क्या सभी पॉइंट कवर किया है या कुछ पॉइंट मिस किया है। तो आप यदि कोई पॉइंट मान लो कि मैंने मिस कर दिया तो आप बोलेंगे सर आपने ये पॉइंट नहीं पढ़ा है, तो फिर से मैं उस चीज़ को क्या करूँगा, डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, तो मॉड्यूल उसके बाद यदि आप क्या करो कि 10 days या 12 days आई मीन टाइम मिल रहा है तो सबसे पहले क्या है, आप डिसाइड कर लो कि एक दिन में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हर चैप्टर का इधर हर बुक का आई मीन मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आप क्या करो 20-20 क्वेश्चंस टारगेट रखो कि 20 क्वेश्चंस क्या है करना है, मुझे सॉल्व करना है एनी हाउ। तो आपका आसानी से मॉड्यूल भी सॉल्व हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन हमने भी यदि क्लास में पढ़ाने वक्त हमने एक्सप्लेन किया है तो भी आपका हो जाएगा यदि आप ये टारगेट रखते हो, और इतना करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हो तो फिर आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा, तो आपको स्कोर लाना है तो यू हैव टू डू दैट एनी हाउ, डू एंड डाई का सिचुएशन है, आपको करना ही है। क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन जो है केवल यहाँ के बच्चों से नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उनसे है, तो आपको अच्छा रैंक लाना है। क्योंकि आप देखोगे कि जैसे जैसे स्कोर बढ़ते जाता है वैसे एक एक मार्क्स से जो रैंक होता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो यदि आपको रैंक अच्छा लाना है तो उसके लिए आपको इतना करना ही पड़ेगा, डेली मिनिमम आपको 60 क्वेश्चंस आपको टारगेट रखना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट से आपको 20 क्वेश्चंस फिजिक्स, 20 क्वेश्चंस केमिस्ट्री एंड 20 क्वेश्चंस मैथ से आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद अभी मॉड्यूल हो गया, उसके बाद कुछ पॉइंट जैसे कि अनफॉर्चुनेटली आपका जब 11th शुरू हुआ तो ऑनलाइन ही शुरू हुआ, कोविड सिचुएशन की वजह से ऑनलाइन शुरू हुआ। तो बहुत बच्चे जब ऑफलाइन शुरू हुआ तो बहुत बच्चे आए और क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रहा था, जब हम पढ़ा रहे थे तो उनको प्रॉब्लम हो रहा था, तो बहुत बच्चे आए और बोले कि सर हमने ये लेक्चर्स नहीं देखा है और मेरे पास हम लोग पास नोट्स भी नहीं है। तो ये गलत आता है, आपके पास नोट्स नहीं है और आपने लेक्चर्स नहीं देखा है तो ये बहुत बड़ा आपने मिस्टेक किया है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उस मिस्टेक को फिर से नहीं रिपीट करें आप, क्योंकि अभी भी बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन इतना कोविड सिचुएशन की वजह से इतना बुरा सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि अभी भी ऑनलाइन ही क्लास शुरू करना पड़ रहा है। आप बोलोगे सर नोट्स हम नहीं बनाया, बुक तो है अपने पास, तो आप बुक से भी कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, लेकिन नोट्स या हम जो पढ़ाते हैं आप लेक्चर्स बुक में भी सब कुछ दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हुआ है।
लेकिन हम लोगों का टीचर का काम क्या होता है कि उस जो बुक्स में दिए हुए हैं उस चीज़ को बुक में जो दिया हुआ है वो लॉन्ग फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको कंसाइज फॉर्म में करके हम लोगों का काम क्या होता है आपको लेक्चर डिलीवर करना होता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि इस जो वो एक बुक में कोई कॉन्सेप्ट जो है वो सही से नहीं दिया हुआ था, हो सकता है कि 2-3 बुक हम देखते हैं और फिर उसके बाद हम लेक्चर देते हैं। यदि आप बुक को पढ़ रहे हो खुद से तो जो हमने जो जिस चीज़ को 3 डेज में फिनिश किया है आप सेल्फ स्टडी करोगे तो हो सकता है उस चीज़ को फिनिश करने के लिए 10 डेज भी लग सकता है और आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप कैसे मैनेज करोगे। अभी आपको शायद समझ में नहीं आएगा लेकिन जैसे ही 12 फिनिश होगा और रिविजन क्लास जब शुरू होगा तो उस समय नोट्स का क्या इम्पोर्टेंट होता है उस समय आपको मालूम चलेगा। क्योंकि हर टॉपिक के लिए मैं आपको बताऊँ 4 से 5 डेज मिलते हैं रिविजन और उसके बाद टेस्ट होता है और आपके पास यदि नोट्स नहीं है तो आप 4 और 5 डेज में सिलेबस कैसे खत्म करोगे, पॉसिबल ही नहीं है कि खत्म करो। तो आपको उस समय प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी हम लेक्चर सेंड कर रहे हैं उसको आप प्रॉपर वे से देखो और प्रॉपर वे से नोट्स प्रिपेयर करो। और आपको लेक्चर ड्यूरिंग वॉचिंग लेक्चर यदि आपको किसी पॉइंट को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस पॉइंट को भी नोट्स में ऐड करो और जब डाउट सेशन हो तो आप मुझसे पूछो तभी आपका डाउट क्लियर होगा। डाउट क्लियर करना बहुत ही जरूरी होता है बेटा। डाउट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप चीज़ों को अच्छे तरह से समझ नहीं सकते हो और फिर जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम एनीवेयर। जब आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस समय आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि आप प्रॉपर वे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका स्कोर अच्छा होगा और आप प्रॉब्लम भी करोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि वॉचिंग लेक्चर प्रॉपरली एंड मेकिंग नोट्स प्रॉपरली, ये दोनों बहुत ही जरूरी है। लेक्चर देखना और नोट्स देखना, लेक्चर देखना भी बहुत जरूरी है और नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं कर रहे हो तो आपको उसी चीज़ को कवर अप करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा और आपको ये मालूम है कि टाइम जो है बहुत ही कम है। टाइम जो खत्म हो जाता है वो कभी आता नहीं है। तो टाइम आपने जो 11th में जो भी आपने वेस्ट किया है वो फिर से आने वाला नहीं है। अभी भी टाइम आपके पास बहुत कम है, ऐसे देखते देखते कितना टाइम निकल गया है, 11th खत्म हो गया, 12th में आ गया। इसलिए बेटा मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लेक्चर मिस लेक्चर को देखें और फिर क्या करें ठीक है बेटा। ये बात क्लियर हो गई आपको। इसके बाद हम आते हैं कि हाउ टू डू स्टडी प्रॉपरली, थोड़ा मैं उस पर एम्फेसाइज करूँगा, ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है। देखो बेटा मैं 11th में भी शायद आप लोगों क्लास में भी मैं बोलता था और बहुत लोगों ने बहुत स्टूडेंट्स से उन्होंने फॉलो भी किया होगा तो शायद उनको बेनिफिट मिला होगा। मेरा हमेशा से मानना है, मैंने भी जब मैं पढ़ रहा था तो मैं ऐसे ही करता था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम आगे बढ़ते जाते हैं, चैप्टर पढ़ते जाते हैं और पीछे का हम रिविजन नहीं करते हैं। तो जब हम रिविजन नहीं करते हैं तो चैप्टर वाइज जब टेस्ट होता है तो उसमें आपका अच्छा स्कोर आता है, लेकिन जब 2 यूनिट 3 चैप्टर 3 चैप्टर या 4 चैप्टर को कंबाइन करके जब टेस्ट लिया जाता है तो उसमें आपका जो ग्राफ होता है वो डाउन चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज यू आर नॉट रिवाइजिंग सिलेबस प्रॉपरली, चैप्टर प्रॉपरली। आप तो आगे पढ़ते जा रहे हो और पीछे को जो चैप्टर आपने एक बार फिनिश कर लिया उसको देख नहीं रहे हो। उससे क्या होगा कि आपका जो बैकलॉग होगा वो क्या होगा, पाइलअप होता जाएगा और जैसे जैसे आपका चैप्टर जैसे जैसे 12 फिनिश होगा वैसे आपके पास आप एक बार पीछे मुड़ करके देखोगे तो अरे आपको लगेगा ये रहे यार ये तो पूरा ब्लैंक हो गया है, अब मैं क्या करूँ। तो बेटा उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए अपने को, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। साथ में डेफिनेटली एक पॉइंट यदि आप फॉलो करो और फॉलो करके आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हो कि आपने इसको फॉलो किया और आपको बेनिफिट नहीं मिला, या 100% है मैंने भी किया है, मैंने कई स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट किया था जिन्होंने उसको फॉलो किया तो उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ वो रिविजन करने में या कैसे भी आप टेस्ट करो। क्योंकि आपको कैसे भी आप टेस्ट कितने भी चैप्टर का आप टेस्ट ले लो आपको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको एनी सिचुएशन को फेस करने के लिए क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। एनी सिचुएशन का मतलब क्या हुआ कि कभी भी मैं सरप्राइज बोलूँगा नहीं बेटा आज मैं 4 यूनिट्स का टेस्ट एक साथ लेने वाला हूँ तो आपके चेहरे पे उदासी नहीं दिखनी चाहिए, नहीं सर आप ले लो कभी भी ले सकते हो।
इसके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेटा सबसे पहले क्या करना है कि जो हम लेक्चर भेज रहे हैं अभी, आपने लेक्चर भेजना, जैसे मान लो कि मैंने किसी चैप्टर का भी ग्रेजुएशन का मुझे लेक्चर भेजना है, उसी तरह मैथ्स में भी लेक्चर चाहेगा आपको, किसी भी चैप्टर का, केमिस्ट्री में भी चाहेगा। तो बेटा सबसे पहले काम क्या करना है, आपको लेक्चर देखना है, ठीक है, आपने लेक्चर देख लिया तीनों चैप्टर, उसके बाद आपको लेक्चर देखने के बाद आप रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा खा लो अपना, थोड़ा सा एंजॉय करो, थोड़ा मस्ती करो, है ना, गाना सुनो, यदि लग रहा है आप बोर हो गए हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने नोट्स लिखा है उस नोट्स को एक बार ऊपर भेज से आधे घंटे या पौना आधे घंटे या एक घंटे आपको इस सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, टाइम देना है। आपको उस न्यूमेरिकल पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, उस कॉन्सेप्ट पे जो हमने पढ़ा है, एक बार जब आप उसी समय, आज मैंने जो पॉइंट पढ़ाया और उस लेक्चर देखने के बाद एक बार आप उसको प्रॉपर वैसे फिर से रिविजन कर रहे हो, तो मैं 100% बोल रहा हूँ उस आपको 90% चीज़ें आपको समझ में आएगी। और अभी आज यदि रिविजन कर लोगे तो मुझे लग रहा है कि वो आप 10 days तक कैरी कर सकते हो, 10 days तक नहीं। ऐसे ही यदि मैं डेली हम लोग प्लान करें, यदि आप लोग डेली का प्लान करें कि नहीं, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जो चैप्टर पढ़ाया जाता है, जिससे मान लो कि आज मैंने कोई पॉइंट डिस्कस किया, उसको आपने रिवीजन किया, कल मैंने फिर से पॉइंट डिस्कस किया, कल भी आप आज का पॉइंट और कल का पॉइंट दोनों आपने रिवीजन कर लिया, फिर परसों मैंने कुछ नया पॉइंट डिस्कस किया, तो आपने आज का पॉइंट, कल का पॉइंट और परसों का पॉइंट आपने डिस्कस किया। ऐसे यदि चैप्टर में जैसे जैसे नया पॉइंट पढ़ाया जा रहा है और आपको पीछे से जितना पढ़ाया जा रहा है, आज रिवीजन करोगे थोड़ा कम टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, कल उसी पॉइंट को रिवीजन करोगे तो कम टाइम लगेगा, परसों उसी को रिवीजन करोगे तो और टाइम कम लगेगा। तो जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, वैसे वैसे आप उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं आपको याद हो जाएगा। दूसरे वीक में जब मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया तो आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए, अभी जो हमने चैप्टर फिनिश किया है उसके पूरे की पॉइंट्स और न्यू चैप्टर के अगेन पॉइंट वाइज आप रिविजन करते हैं। तो शायद वो भी कैसे करोगे तो जो पॉइंट्स हैं वो कभी आप नहीं भूलोगे, आपको याद रहेगा। तो शायद ऐसे आप चीज़ों को आप फॉलो करो तो मेरा ये 100% गारंटी है कि आप जैसे जैसे आप चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, आप पीछे के सिलेबस को भी आप क्या करोगे ऊपर भी से कैरी कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीछे के सिलेबस को कैरी करना, ठीक है। उसके बाद जब आपका अभी तो आप बोलोगे कि सर आप तो 12th के बारे में बोल रहे हैं, फिर हम 11th के बारे में क्या करेंगे, क्योंकि 11th तो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, अब जैसे जैसे 12th हम फिनिश करेंगे 11th तो आप बोल जाए नहीं, उसके लिए भी अपने पास कुछ प्लान है, यदि शायद आप उसको फॉलो करो तो आप 11th का भी जो टॉपिक है उसको भी आप माइंड में रख सकते हो। देखो बेटा रिवीजन प्रॉपर वे से करने से बेनिफिट ये होता है कि जब आपके पास कॉन्सेप्ट मालूम होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, अच्छा होता है, तो ऑटोमेटिक थोड़ा टफ भी प्रॉब्लम आता है और कॉन्फिडेंस है तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, डील कर लेते हैं। इसलिए रिवीजन जो है पढ़ने से ज़्यादा कहा जाता है कि सक्सेस होना और उसको मेंटेन रखना दोनों में बहुत अंतर होता है, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन एंड टू बी ए सक्सेसफुल फॉर एवर, ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सक्सेस तो हो गए लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ता है। उसी तरह हमने चैप्टर को फिनिश कर दिया लेकिन उस चैप्टर में जो कंटेंट है उसको कैरी करने के लिए आपको क्या जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, बहुत ही रिवीजन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिना रिवीजन का कुछ नहीं हो सकता है। तो 11th का भी जब आप 12th का सिलेबस रनिंग है तो 11th का भी आप चैप्टर वाइज बात कर सकते हो, चैप्टर वाइज आप 15 days की चैप्टर को दो, मान लो कि आपने देखा भी है कि 11th में कितने टॉपिक्स हैं तो आप 15 days यदि वन टॉपिक को देना, बोलो कि सर 15 days वन टॉपिक को हम कैसे देंगे, बेटा 15 days में 2 Sunday आता है, यदि इस संडे को पहले मान लो सपोज हमने रोटेशनल मोशन शुरू किया, इस संडे को हमने रोटेशनल मोशन
क्या किया, रोटेशनल मोशन हमने स्टार्ट किया रिवीजन में, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन जब मैं स्टार्ट करूंगा, इस सब्जेक्ट को आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने रोटेशनल मोशन जो है अभी रिवीजन करना शुरू किया। इस सब्जेक्ट को आप इसको फोर आवर्स आराम से रोज सुनो और प्रॉपर वे से क्या करो, रिवीजन करते रहो। मैं 11th के रिवीजन की बात कर रहा हूँ, 12th के साथ साथ 11th क्लास के टॉपिक को भी हम कैसे रिवीजन करें मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। और ये हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ये फिजिक्स के लिए वैलिड नहीं है। जस्ट मैं फिजिक्स का एग्जाम्पल लिया, लेटेस्ट कंसिडर आपको रोटेशनल मोशन रिविजन करना है, ठीक है। तो मान लो कि मैंने फर्स्ट सैटरडे को हमने क्या किया, रोटेशनल मोशन हमने रिविजन करना शुरू किया। हमने रोटेशनल मोशन को पूरा और समय, क्योंकि रोटेशनल ऐसे नहीं है कि आप कम्प्लीटली बैंक हो, ऐसा भी नहीं। इस संडे को हमने रोटेशनल मोशन पूरा आवर्स दिया। अगले संडे को रोटेशनल मोशन जब आप रिवीजन करोगे, रिवीजन क्या करना है, केवल नोट्स को, नोटबुक आप में जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं आपको क्या करना है, उसको रिवीजन करना है। और रिवीजन करने वक्त ये आप क्या करो, एक और की पॉइंट्स बनाओ। की पॉइंट्स कैसे बनाएंगे बेटा, तो आपको रोटेशनल चैप्टर में आपको ये ध्यान देना है कि जो हम सॉल्व नोट्स बनाएंगे उस पॉइंट को नोट करना है जिसको हमें जल्दी भूल जाते हैं। क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट को अपने नोट करके रखना है जिसको जल्दी भूल जाते हैं। आज पढ़े और कल भूल गए, फिर कल पढ़े परसों भूल गए, उस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, अपने को नोट्स बना रहे हैं। हर चैप्टर में आप देखोगे ध्यान से तो आई थिंक 10 रिजल्ट 8 रिजल्ट ऐसे होंगे जो हम ज्यादातर भूल जाते हैं, नहीं तो मोस्टली रिजल्ट याद होता है। तो उस 10-12 रिजल्ट में अपने को ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट हम भूल रहे हैं इसका मतलब हम कभी भी भूल जाएंगे। तो रोटेशनल मोशन एक संडे को, इस संडे को हमने पूरा आवर्स दिया। अगला जब संडे आएगा, इस रोटेशनल मोशन को रिविजन करने के लिए आपको 2 आवर्स करना है। अब हमने दो संडे को रोटेशनल मोशन रिविजन कर लिया, रिविजन करने क्या किया, नोट्स रिविजन किया। उसके बाद जैसे ही हमने रोटेशनल मोशन रिविजन कर लिया, अब हम सोचेंगे नहीं, अब इस संडे को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, SHM कंसिडर कर रहे हैं। तो बेटा SHM जब हम रिविजन करेंगे उसके पहले रोटेशनल मोशन को हम क्या करेंगे, एक बार और रिविजन। अब ध्यान से देखो, पहले संडे को मुझे रिविजन करने के लिए कितने आवर्स लगे थे, 4 आवर्स। दूसरे संडे को आप रोटेशनल मोशन रिविजन किए तो कितने आवर्स लगे, 2 आवर्स। थर्ड संडे को मैं जब रिविजन करूंगा तो 1 आवर्स लगेंगे, और फोर्थ संडे को यदि मैं रिविजन करूंगा तो आधे घंटे में रिविजन होता है। फिफ्थ संडे को तो 15 मिनट में ऐसे, क्योंकि मैंने तो इसको 10 बार पढ़ लिया है, इसमें जितने की पॉइंट्स हैं वो तो मुझे मालूम ही है, तो ये आसानी से आपका रोटेशनल मोशन क्या होगा, वो संडे में आपका प्रॉपर वे से रिविजन हो गया। अब आपसे मैं कहीं से भी आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप बोल सकते हैं कि नहीं सर, आप रोटेशनल मोशन से कोई भी फॉर्मूला पूछो मैं बता सकता हूँ। अब जैसे रोटेशनल मोशन चल रहा है, एट द सेम टाइम SHM भी रनिंग है। SHM के लिए भी पहले संडे को आप क्या करेंगे, 4 आवर्स देंगे, अगले संडे को 2 आवर्स देंगे, उसके बाद 1 आवर्स होगा, फिर हाफ एन आवर्स होगा। तो बेटा जब उसके बाद फिर न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, तो जब न्यू टॉपिक शुरू करोगे रोटेशनल मोशन प्लस SHM प्लस न्यू टॉपिक, तो आप मुझे बताओ यदि ऐसे ही हम प्लान करें तो ऐसा हो सकता है कि आपको इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको याद नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मेरा, मैंने ऐसा किया था, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मैं कभी फॉर्मूला लिखता नहीं था, कभी भी मैंने नहीं लिखा है, ऐसे ही करता था। मेरा जो शेड्यूल था वो संडे को मैं केवल रिविजन ही करता था, जैसे मैंने आपको बताया संडे को क्या करना है, केवल एक दिन वन सीन वीक अपने को क्या करना है, रिविजन प्लान करना है। और रिविजन प्लान में हाउ टू मैनेज 11 अलोंग विद 12, उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज देना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि 12 हम पढ़ रहे हैं और 11 कम्प्लीटली हम भूल जाए, तो उसको हम बैलेंस स्टडी नहीं बोलेंगे, अनबैलेंस स्टडी बोलेंगे। जिस तरह शरीर को स्वस्थ होने के लिए शरीर का हर पार्ट क्या होता है, फिजिकली फिट होना चाहिए, उसी तरह एग्जाम के लिए तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। यदि तीनों सब्जेक्ट बैलेंस नहीं हो तो आप एक आपके एग्जाम में कॉन्फिडेंस ही रहेगा, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ दिमाग में रहेगा कि अरे यार मेरा मैथ्स अच्छा है, फिजिक्स नहीं अच्छा है, फिजिक्स नहीं अच्छा है, उसका जो इफेक्ट होगा अगर दो सब्जेक्ट।
इसी तरह एलएनएम के फ्यूल के साथ साथ आपको एलएनएम को क्या करना है, कैरी करना है एलेवेंथ को, कभी रिवीजन होता जाएगा। तो जब आपका ट्वेल्थ फिनिश होगा तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एलेवेंथ आपका 100% है, लेकिन 80% तो आपने एलेवेंथ भी कवर अप कर रखा है, ट्वेल्थ आपका साथ साथ हो ही रहा है। तो जब आपका ट्वेल्थ फिनिश हो जाएगा और जब चैप्टर वाइज रिवीजन होगा तो उस समय आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो बेटा ऐसे आप टाइम टेबल प्रॉपर वे से बनाओ और मेहनत करो। मेहनत के अलावा मेरा ये मानना है कि यदि मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो मैं यदि कोशिश करूँ उस चीज़ को समझने के लिए तो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं है जो रोक सके। हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका माइंड साफ होता है वो जल्दी चीज़ों को पहन कर, लेकिन जो माइंड का जो बात होता है माइंड तभी काम करता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। हमने तो ये भी आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन बहुत अच्छा होता है लेकिन उसको प्रॉपर रिसीव नहीं करते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट है जो मेहनत कर रहा है जिसने डिटरमिंड है कि नहीं ये मुझे गोल पाना ही है और उसको इवन प्रॉब्लम भी हो रहा है, ज़्यादा टाइम में चीज़ों को समझ रहा है फिर भी वो मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के लिए रेडी है, तो आसानी से उन चीज़ों को क्या कर सकता है, आसानी से वो गोल को अचीव कर सकता है। लेकिन सेम गोल को एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो मेहनत नहीं कर रहा उसको अचीव नहीं कर सकता। तो कोई चीज होना और उसको प्रॉपर वे से यूटिलाइज करना दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, ये कभी मत सोचिए कि मेरा 11 चला गया है अब 12 में मैं क्या करूं। नहीं, अभी सिखा भी जाता है कि जब ही जागे तभी सवेरा आए, जब से आपने डिसाइड कर लिया कि तो मुझे लाइफ में कुछ करना है तो आपको कोई भी बॉडी कोई भी इंसान है आपको डिफीट नहीं कर सकता है, आप करके ही रहोगे उसको। और ये हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम है लेकिन आप कर, अभी से भी आप ये डिसाइड कर लो बेटा कि नहीं मुझे जेई करना ही है तो आपको इवन मैं चाहूँ कि आप नहीं भी कर सकते हो तभी भी आप करोगे, है ना। बहुत सारे सेकंड चीज है ना, आप तभी भी आप कर जाओगे, आपको कभी आप लोग जब क्लास में यहाँ पे स्कूल में भी आते थे तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दिया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने अलग अपने अच्छा नहीं किया, जिसे अभी आप लोग चाहते भी हैं। मैंने जो मोहम्मद 11th में जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था तो उसने फिजिक्स में स्कोर नहीं होता था लेकिन उसका मैथ्स बहुत अच्छा होता था, अच्छा था उस समय में फिजिक्स में स्कोर नहीं करता था लेकिन वो 12th में जाकर के सिंसियर हुआ और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। तो ऐसा नहीं है, दो सब्जेक्ट को आपको आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, एक सब्जेक्ट एवरेज भी है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, नो डाउट बहुत अच्छा कर, लेकिन उसके लिए इसलिए आपका 11th खराब भी हुआ है अभी भी टाइम है। अभी से 11th खराब हुआ है उसको सोच करके आप 12th खराब मत करो। कहा जाता है ना कि यदि मेरा पास्ट बहुत ही अच्छा नहीं हो उस पास्ट को फ्यूचर में प्रेजेंट में नहीं प्रेजेंट में जब लाओगे तो फ्यूचर भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए 12th खराब है उसके बारे में मत सोचो, सॉरी 11th खराब है उसके बारे में मत सोचो, 12th के बारे में सोचो, 12th अच्छा होगा उसके साथ साथ 11th भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। कल से आप 27th से मैं ग्रेजुएशन शुरू करने वाला हूँ और उसके बाद भी जो भी क्वेरी होगी उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ऑल द बेस्ट और वेलकम इन न्यू 12 और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिस तरह ऑफलाइन यहाँ आप लोगों ने मोमेंटम बनाया था उसको आप कैरी करेंगे और फिर हम मिल करके और 12 में अच्छा रिजल्ट देंगे। आप लोग मेहनत कीजिए, हम लोग मेहनत करेंगे और हम सभी मिल करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।